हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इजी रेसिपी कॉर्नर। तो आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक बिरयानी रेसिपी जो बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा आसान तरीके से मैंने ये रेसिपी आपको बनाना बताऊँगी। तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना अगर आप बिगिनर्स हैं, जब भी आप ये रेसिपी आसान तरीके से बना पाएंगे। इतना आसान तरीके से मैंने ये रेसिपी बनाना बताई हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आएगा तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है बासमती राइस। बासमती राइस मैं लूँगी 1.5 गिलास, क्योंकि मैं ये बिरयानी 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी और इसे अच्छे से धुलेंगे। बिरयानी या फिर पुलाव आप कुछ भी बनाते हो, जब तक आप चावल को अच्छे से नहीं धुलेंगे तब तक आपका पुलाव या फिर बिरयानी खिला खिला नहीं बनेगा। अगर आप चावल को नहीं भी भिगोएंगे ना तब भी आपका बिरयानी खिला खिला बनेगा अगर आप इस तरीके से अच्छे से चावल को धो लेंगे। इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम लहसुन अदरक को पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 पोटली लहसुन का और 1 टमाटर। तो इसे हम डाल देंगे मिक्सर जार में। अब उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च को आप बिरयानी में ज़रूर डालें, भले ही आप स्किप कर दीजिए लाल मिर्च को, बट काली मिर्च को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसका अच्छा फाइन पेस्ट बना लिया है। तो चलते हैं बिरयानी बनाने के लिए। बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया है हाई फ्लेम में। तो बिरयानी हम कुकर में बनाएँगे, 15 मिनट में हमारा बिरयानी बिल्कुल रेडी हो जाएगा। कुकर को अच्छे से गर्म करने के बाद हम इसमें डाल देंगे तेल। यहाँ पर तेल मैंने सरसों का लिया है, आप रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे उबला हुआ अंडा। अंडे को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अंडे डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ही हल्दी पाउडर ताकि कलर अच्छा आए अंडे का। उसके बाद हम डाल देंगे थोड़ा सा ही नमक, मिला दें और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर अंडा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो हम इसे निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ साबुत सूखा मसाला। सबसे पहले हम डालेंगे 1 तेज़पत्ता और यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े इलायची, 6 लौंग, 2 हरी इलायची और 4 से 5 दालचीनी का टुकड़ा मैंने डाल दिया। अब उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 मिडल साइज का बारीक कटी हुई प्याज को। तो यहाँ पर मैंने प्याज को डाल दिया। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो प्याज हमारा बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अभी जो हमने पीस के रखा था टमाटर का पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट, वो हम डाल देते हैं और चलाते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे जब तक मसाला जो है अच्छे से पक ना जाए। तो यहाँ पर मसाला हमारा बिल्कुल पक गया है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच बिरयानी मसाला, थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च पाउडर क्योंकि हमने काली मिर्च डाला था तो काली मिर्च से भी तीखा हो जाता है, मिला दें। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे अंडा और एक बार इसे अच्छे से मिला दें। अब हम क्या करेंगे, इस अंडे को हमने पहले ही इसे कट कर देना था, यानी कि थोड़ा सा अंडे को कट कर देते हैं ना तो अंडे के अंदर जो है सारे मसाला का फ्लेवर चला जाता है। तो हमने पहले इसमें अंडे को कट नहीं किया है तो अब हम इसमें देखिए इस तरीके से कट लगा देंगे। जब आप बनाएं ना तो पहले अंडे को कट लगा दें, उसके बाद आप मसालों में डालें अंडे को। तो यहाँ पर मैंने सारे अंडे में कट लगा दिया है चाकू से, एक बार मिला देते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच दही को, मैंने इसी में जिसमें हमने टमाटर को पीसा था उसी मिक्सर जार में डाल दिया था 2 चम्मच दही को और उसका हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर डाल दिया मैंने, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको दही का फ्लेवर पसंद नहीं है या फिर आप दही नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हो, बट अभी नहीं डालना है। जब आप इसमें चावल डाल दोगे ना उसके बाद आप नींबू का रस डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद डाल देंगे पानी। पानी हम उसी हिसाब से डालेंगे जितना हमने चावल लिया है। तो चावल हमने 1.5 गिलास लिया है तो 1.5 गिलास ही हम इसमें डाल देंगे पानी और उसके बाद हम इसमें डालेंगे
1/4 गिलास पानी, ये देखिए कितना थोड़ा सा पानी उसके बाद हम डालेंगे, बस इतना सा ही हम इसमें पानी डालेंगे। एक बार चला देते हैं। पानी डालने के बाद अब हम फ्लेम को हाई रख लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चावल। चावल का जो भी एक्स्ट्रा पानी था उसे मैंने अभी तुरंत हटाया है। चावल हमारा ज़्यादा नहीं भीगा है, 10 मिनट ही भीगा है। जब भी ये चावल हमारा बिल्कुल खिला खिला बनेगा, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी, मिला दें। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ढक देंगे ताकि इसमें अच्छे से जल्दी से उबाल आ जाए। तो 2 मिनट भी नहीं ढका था मैंने, इसमें देख सकते हो आप अच्छा खासा उबाल आ गया है। तो एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसका ढक्कन जो है लगा देंगे। एक सीटी हाई फ्लेम में आने देंगे। तो यहाँ पर 1 सीटी लग गया है, देख सकते हैं आप। उसके बाद मैं फ्लेम को लो रख लूँगी और बस 2 मिनट ही हम इसमें पकने देंगे। तो टोटल 2 मिनट हो गए थे, तो मैंने गैस का फ्लेम जो है ऑफ कर दिया है। कुकर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर कुकर ठंडा हो गया है, तो मैं खोल लेती हूँ कुकर को। ये देखिए हमारा बिरयानी बिल्कुल रेडी है। एक बार हम इसे चला देते हैं, नीचे का चावल ऊपर और ऊपर का चावल जो है हम नीचे कर देंगे। ये देखिए अभी थोड़ा सा आपको ये गीला दिख रहा है, बट 2 मिनट बाद ये ठंडा हो जाएगा ना, बिल्कुल खिला खिला चावल आपको दिखेगा। तो मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। तो है ना कितना आसान एक बिरयानी बनाना। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं ऐसे रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।